राधे राधे। आप सभी साथियों को शकट चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस साल शकट चौथ का त्यौहार 29 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। शकट चौथ का पर्व भगवान गौरी पुत्र श्री गणेश जी को समर्पित है। आज के दिन महिलाएं शकट चौथ का व्रत रखती हैं और संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। शकट चौथ व्रत तभी पूरा होता है जब भगवान गणेश जी की पूजा के बाद चांद के दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ दिया जाए। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है व्रत खोलने से पहले चंद्र दर्शन बेहद जरूरी है, लेकिन धुंध और बादल के चलते यदि चांद नहीं दिखाई दे तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं। यदि आपने भी आज शकट चौथ का व्रत रखा है और चंद्र दर्शन को लेकर आपके भी मन में ऐसे सवाल हैं कि चंद्र नहीं दिखेगा तो कैसे पूजा होगी, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि चांद नहीं दिखाई दे तब भी आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसको लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं, उन उपाय को करके आप अपना व्रत पूर्ण कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं वो उपाय कौन से हैं। आज प्रातः में यदि चंद्रमा दिखाई ना दे किसी भी कारण से, चाहे पानी बरस रहा हो, धुंध हो या कोई भी कारण हो, तब भी शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। इसके लिए एक चौकी सजाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़े के ऊपर चावल से चांद की आकृति बनाएं। ओम चतुर्थ चंद्राय नमः मंत्र का जाप कर चंद्रमा का आवाहन करने के बाद विधि विधान से पूजन कर व्रत पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा आप ज्योतिष में बताए अन्य उपाय भी कर सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि चांद ना दिखाई दे तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं। फिर चंद्रमा की पूजा करके क्षमा याचना करते हुए व्रत का पारण करें। इसके अलावा आप ये भी कर सकती हैं कि चंद्रोदय का सही समय जानकर करीबियों से फोन करके पूछें कि चांद किस तरफ निकलता है, उस दिशा में मुंह करके अपनी पूजा करें और चंद्रदेव से क्षमा याचना करें। इसके अलावा आप ये भी कर सकती हैं कि अपने करीबियों से चांद की तस्वीर मंगवाकर या वीडियो कॉल के जरिए उसके दर्शन कर महिलाएं व्रत खोल सकती हैं। और चांद के दर्शन ना होने पर आप अपनी थाली में चावल लेकर उसे चांद का आकार देकर अर्घ दे सकती हैं। इसके अलावा आप बड़े बुजुर्गों के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोल सकती हैं। साथ ही अगली चौथ पर चंद्र दर्शन का संकल्प अवश्य लें। यदि किसी भी कारण से आपको चंद्र दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो आप ज्योतिष के ये उपाय अपना करके अपना चंद्र दर्शन करके अपना व्रत पूर्ण करके व्रत पारण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काम आएगी। दोस्तों, किसी भी तरह की धर्म से संबंधित जानकारी, पूजा पाठ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको समय पर रहते सभी तरह की पूजा पाठ की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। आप और आपके परिवार को शकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार पर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।